क्वेश्चन है वहां लेके आओ, पीछे था माइक, कितना करीब रखे भाई। राम राम राम। ये तो इंग्लिश में लिखा है, अरे ये तो ये लैंग्वेज तो हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको तो इसका लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं हूँ, बुझते बड़ी तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा। और आपको आश्चर्य होगा, मैं हिंदी भी नहीं पढ़ा, संस्कृत भी नहीं पढ़ा, समझते हैं। मैं जो पढ़ा गुरुकुल अपने बाबा के श्री चरण में अध्ययन किया, मैं बाहर पढ़ा ही नहीं। तो इंग्लिश ये हिंदी है वो देव। भगवत प्राप्ति के लिए लोभ, लोभ है तो लोभ क्या अन्याय है। जय हो माता की। मृत्यु के बाद यह देह नहीं, देह नहीं रहे तब आत्मा कहाँ जाती है। आत्मा की व्यवस्था अव्यवस्था अवस्था में किस अवस्था में रहता है। जय हो। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को इंग्लिश किसने पढ़ाया, सुनेगा। हमारे स्वामी को तो जानता है आप लोग, देवराहा बाबा सरकार। दुनिया का हर भाषा जानता था, हर भाषा को समझते थे, बुझते थे और बोलते थे। 1988 वृंदावन की घटना है, बाबा मचान से दर्शन दे रहे हैं और एक ग्रुप जो फ्रांस से आया था, आगरा ताजमहल देख के वो लोग वापस दिल्ली जा रहे थे। तो उनकी इच्छा थी कि इंडिया में बहुत सारे साधु संत रहते हैं, उन्होंने जो गाइड था उसको पहले बोला था कि ऐसे कोई महात्मा को दिखाओ जो बहुत उच्च कोटि के संत हो, जो निर्लिप्त हो, निर्विकार हो और जो सभी प्रकार से ईश्वर में लीन हो। तो गाइड ने बाबा के बारे में सुना था, वो बोला मैं ऐसे संत को जानता हूं। वो लेकर के उनको यहां आ गया बाबा के पास। वो टूटा फूटा इंग्लिश बोलता था। जो इनका मेन गाइड था फ्रेंच का, वो आगरा में जहाँ टूर करने जाते हैं वहाँ फ्रेंच गाइड मिलता है, रशियन गाइड मिलता है, उसने अरेंज किया था। उसके बाद बस में बैठ के दिल्ली जाना था तो वापस आते समय वृंदावन आ गया।
बाबा का दर्शन करने। करीब 18-20 लोग थे वो फ्रेंड्स लोग। बाबा का दर्शन किए तो उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो गाइड को हमने बोला आप बताओ दो भाषिया। बोला महाराज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता। तो हमने कहा लो अंग्रेजी बोला थोड़ा बहुत आता है हमको, तो हमारा काम है इनको आगरा पहुंचाना, वहाँ दुभाषिया था, वहाँ से इनको दिल्ली लेके जाना। रास्ते में इनकी इच्छा थी तो मैं यहाँ लेके, कोई हमें बताया तो लेके आया हूँ। तो मैं इंग्लिश तो जान जाता हूँ थोड़ा बहुत, फ्रेंच बिल्कुल नहीं जानता। तो मैंने कहा फिर हुआ कि किसको खोजा जाए। तो बाबा बोले देख वहाँ साथ में पीएसी रहता था उसको इसको। फिर बोले अंग्रेजी में ही, तो बोला कि जो गाइड था वो बोला कि मैं अंग्रेजी थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता मैं। तो बाबा ने हम लोग को सबको बोला कि तुम लोग यहाँ से पीछे फाटक पे गेट के पास जाओ। उसके बाद बाबा उन लोगों से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगे। ओल्ड फ्रेंच, दो तरह का फ्रेंच है, न्यू एंड ओल्ड। ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगे। बात करते करते जब वो लोग हाथ, पहले वैसे ही खड़ा था, फिर हाथ जोड़ लिया लोग 10-15 मिनट के बाद, फिर एक एक करके घुटने के ऊपर खड़े हो गए सब हाथ जोड़ के। अब मुझे तो नहीं पता बाबा ने क्या बोला उनको, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था वहाँ से कि बाबा कुछ बोल रहे हैं अंग्रेजी इंग्लिश मिक्स समथिंग समथिंग। तो बाबा ने जब वो लोग को प्रसाद दिया, मैं प्रसाद दे करके चले गए, तो हमने कहा बाबा आप तो अंग्रेजी जानते हैं। बाबा बोले अरे बच्चा मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे छुपा हुआ इस संसार में कुछ भी नहीं है। बच्चा मैंने इनको फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रांस की भाषा है उसमें इनको उपदेश दिया। तो मैंने बाबा से बोला बाबा मैं अंग्रेजी सीख लेता हूँ। बाबा बोले चुप कुकुर कहीं के, अब तू अंग्रेजी सीखेगा। उन्होंने बोला सरकार बहुत दिक्कत होती है कोई आ गया तो, मैं तुरंत के तुरंत उसको आपको बता दूंगा क्या बोलता है वो। बाबा बोले अरे बच्चा पढ़ा लिखा बाभन का काम, बोल दे साधु जय सियाराम। बाभन बुझते बड़ी तो पंडित। पढ़ा लिखा बाभन का काम, बोल दे साधु जय सियाराम। तो मेरे को थोड़ा मन में हुआ कि चलो गुरुदेव जैसे इच्छा। फिर मैं एक बार बोल दिया कि ऐसे सीख लेते तो बहुत अच्छा होता। बाबा बोले अरे बच्चा जब हमें तुम्हें अंग्रेजी सिखाना होगा तो बच्चा मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा और तुम्हें अंग्रेजी आ जाएगा। समझते हैं? तो ऐसे चुटकी बजा के बाबा बोले बच्चा ऐसे मैं चुटकी बजाऊंगा और तुम्हें अंग्रेजी आ जाएगा। तो मैंने सोचा लीला है कोई। मैंने कहा अब चुटकी कब बजेगी अंग्रेजी कब आएगी पता नहीं। मैंने दंडवत किया, हमने कहा कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम। बाबा का महासमाधि हो गया। पहली बार हम 1994 में रसिया गया, घूमते रहे इधर उधर देश विदेश गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए। तो बाबा का आदेश हुआ 2000
चार बच्चा, अब तुम हमारा प्रचार प्रसार देश विदेश में भी कर। तो मैं उस समय दूसरी या तीसरी बार लंदन गया 2005 में, जर्मनी गया, जर्मनी से फ्रांस गया, फ्रांस से चेक गया, चेक से ऑस्ट्रिया आया, वहाँ से फिर लंदन गया। लंदन गए तो उस समय वहाँ पे सत्संग रखा लोगों ने। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि पूरे लंदन में सिर्फ दो हमारे इंडियन भक्त हैं, बाकी सारे ब्रिटिश हैं। बुझते बड़ी, तो सारे ब्रिटिश, जिनको हम लोग गोरे बोलते हैं ना, वो सिर्फ दो फैमिली इंडियन हैं शिष्य। जर्मन यूरोप में तो टोटली 90% समझिए सिर्फ वहाँ के लोकल लोग हैं। रशिया में भी वैसे ही है। अब मैं वहाँ गया, ग्लास्टनबेरी एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे मेरा सत्संग चल रहा था। तो एक माता जी को लोग दुभाषिया ले आए, दुभाषिया पूछते बड़ी तो ट्रांसलेटर, मैं हिंदी में बोलता वो इंग्लिश में बोलती। अब उसको भी हिंदी और इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं, लोगों को कुछ समझ में आए नहीं समझ में आए, मुझे ही समझ में नहीं आवे। पहला दिन प्रोग्राम हुआ, दूसरा फ्राइडे शाम को हुआ, सैटरडे मॉर्निंग हुआ। उसके बाद तो लोग थोड़ा बोले कि अच्छी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। और मैं रुका था पास में ही एक जगह है फ्रोम, वहाँ आके आराम से रुक गया। तो मेरा एक शिष्य है जर्मन का, केशवदास, जो पुराने भक्त हैं वो जानते होंगे उसको, वो विरक्त साधु है, वो जर्मनी का, कई साधु है हमारे उधर में, वो साधु की तरह ही रहते हैं, इजराइल में भी, जर्मन में भी, फ्रांस में भी, रशिया में भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में हमारे विरक्त साधु हैं, वहीं के रहने वाले हैं वो। और वो साधु हैं, साधु दीक्षा लिया है, संन्यास दिया है उनको, मस्त रहते हैं वो। तो मैंने केशव दास से बोला, केशव हैव टू कैंसल ऑल द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। केशव दास बड़ा दुख हुआ उसको कि मैं इतने साल इंडिया में रहा, मैं हिंदी नहीं सीखा गुरुजी। हमने कहा अब नहीं सीखा तो नहीं सीखा, अब प्रोग्राम कैंसिल कर दो। कैंसिल करके हम लोग आनंद ले रहे हैं। संडे का कैंसिल हुआ, मंडे ट्यूसडे, मंगलवार के ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का दर्शन हुआ। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि मैं तुम्हें नित्य स्वप्न दर्शन दूंगा। नित्य दर्शन होता है, कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी लंबा होता है, कभी शॉर्ट होता है, लेकिन होता नित्य है। बाबा ने दर्शन दिया, दर्शन देके बोले मेरा नाम लेके, देवदास। हमने कहा जी सरकार। अरे बच्चा, हमने तुम्हें इंग्लैंड भेजा यहाँ सत्संग देने के लिए, लोगों को ईश्वर के सन्मुख करने के लिए, तू यहाँ सोया हुआ है। मैंने स्वप्न में ही बोला, गुरुदेव मुझे अंग्रेजी नहीं आता। क्या नहीं आता? क्षुब्ध होकर के बोला मैंने स्वप्न में। फिर मैंने करवट बदल ली, फिर स्वप्न में आए, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं उठ के बैठ गया। हमने कहा मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मैं आपका बात सुन रहा हूँ, परंतु मैं जब तक अंग्रेजी नहीं जानूंगा तब तक मैं सत्संग नहीं करूँगा, क्योंकि दुभाषिया ठीक से बोलता नहीं है, कृपा करिए मेरे ऊपर, बड़ी ठंडा पड़ रहा है। अब मुझे
कृपा करके एक घंटा और सोने दीजिए। फिर मैं सो गया। सोचते सोचते कि गुरुदेव उस समय तो अंग्रेजी सीखने नहीं दिए मुझे, अब बोल रहे हैं कि जाके अंग्रेजी में लेक्चर दो, ये करो वो करो, बुझते बड़ी तो कंप्लेन करते करते सो गया। उतने में एक बहुत अद्भुत साउंड टन करके मेरे मस्तिष्क में घुसा और घुस करके इधर से लगा जैसे छेद करके निकल गया कुछ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं उठ के बैठ गया, आँख खोला, मैंने देखा आँख तो सही है, ऐसे हाथ करके किया, हमने से सुनाई भी दे रहा है। फिर मैंने सोचा कि इतना तेज आवाज था, वो लगा जैसे दिमाग कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर मैंने सिर हिलाया, सीताराम सीताराम बोला, मैंने कि आवाज भी ठीक है, तो मैंने देखा अब सब कुछ ठीक है। इतना तेज साउंड था कि ऐसे लगा जैसा सारा कुछ अंदर में कुछ गड़बड़ हो गया। सब कुछ ठीक है, फिर मैं बैठा, गुरुदेव का ध्यान करने लगा, फिर मन मानसिक क्षमा भी मांगने लगा कि स्वामी मैं स्वार्थी जीव हूँ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको मानसिक रूप से मैंने ऐसा सोचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आश्रु भी निकले, नहाए धोए पूजा पाठ किए और उस दिन के बाद कोई भी आदमी अगर अंग्रेजी में हमसे बोला तो मैंने उसको अंग्रेजी में रिप्लाई करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ से और कैसे होने लगा, समझते हैं। और मुझे नहीं पता, तीन चार दिन बाद यूरोप से चेकोस्लोवाकिया से मधुसूदन दास, सूर्यदास, शुभम दास, ये भी हमारे शिष्य हैं, सब सन्यासी हैं, ये लोग दर्शन करने आ गए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपने नोटिस किया कुछ, हमने बोला क्या, तो आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं। हमने कहा कि लगता तो मुझे भी है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, समझते हैं, लग रहा है मुझे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले कि उन्होंने बोला कि यू आर टॉकिंग वेरी नाइसली एंड विथ फुल ग्रामर। हमने कहा लो ये भी बात है। बोले हाँ। तो मैंने मधुसूदन दास को बोला भाई तुम मुझे थोड़ा अंग्रेजी का ग्रामर वगैरह समझा दे, जब बोल रहे हैं तो कहीं गलती ना हो जाए। तो उसने एक कापी पे लिखा कि जो स्त्रीलिंग है उनको सी बोलना है, पुलिंग है उनको ही बोलना है। हमने कहा वो तो मैं बोलता ही हूँ। हमने कहा ठीक है, थैंक यू। तो उस दिन के बाद से अंग्रेजी बोलना शुरू किया और फिर मैंने प्रोग्राम लेना शुरू किया। फिर तो क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या दुनिया, 128 देशों में खूब जा जा के बाबा का सत्संग दिया, भगवान ठाकुर जी की लीला गायन किया, समझते हैं, खूब सत्संग हुआ, खूब कृपा हुआ गुरुदेव का। अब कुछ सालों से कहीं नहीं जाते, कई सालों बाद अभी दिसंबर मास में लंदन गए एक हफ्ता के लिए, फिर वहाँ से आए। अभी वहाँ के लोगों ने फिर से बोला गुरुजी मई में प्रोग्राम रखिए। हमने कहा ठीक है रखते हैं। तो मई में दोबारा प्रोग्राम होगा वहाँ। तो इस प्रकार से गुरुदेव की कृपा हो
तो मनुष्य मैंने अनुभव किया, सुनता था गुरु कृपा के बारे में, गुरुदेव के सानिध्य में अनुभव किया है हमने कि गुरु कृपा क्या होता है। गुरु कृपा मनुष्य को परिवर्तन कर देता है। अब मनुष्य का परिवर्तन करेगा तो कितना परिवर्तन करेगा, उसको हाथी घोड़ा तो बनाने तो छोटी बात हो गया, देवत्व में पहुंचा देता है। किसमें? देवत्व में। ऐसी होती है गुरु कृपा। और मैं अनुभव करता हूं कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है गुरुदेव का। आप लोग भी अनुभव करिए, समझ रहे हैं? क्योंकि जाग की रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। समझ रहे हैं? जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन भावना भक्ति है प्रधाना, भावना भक्ति है प्रधाना, भावना भक्ति है प्रधाना, भावना भक्ति प्रधाना, इच्छा करे सोई है हो जाना, इच्छा करे सो हो ये जाना, इच्छा करे सोई हो जाना, इच्छा करे सो जाना। राम 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 राम। ध्यान देकर बात समझो, ध्यान देकर बात समझो, इच्छा शक्ति बलवान है, इच्छा शक्ति बलवान है, ध्यान देकर बात समझो, ध्यान देकर बात समझो, इच्छा शक्ति बलवान है, इच्छा शक्ति बलवान है, इच्छा शक्ति से प्रभु मिलते हैं, इच्छा शक्ति से प्रभु मिलते हैं।
इच्छा में भगवान है, इच्छा में भगवान है, हाँ इच्छा में भगवान है, इच्छा में भगवान है, राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, श्रद्धा शक्ति, ये सब तुम्हें बलवान बनाता है। अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो तुम्हारे आसपास पॉजिटिव एक्टिविटी उत्पन्न होता है। अगर तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। ये यथार्थ है। मैं सदैव अनुभव करता हूं कि मेरे ऊपर गुरुदेव की अहेतु की कृपा है, असीम कृपा है। वो सदैव मुझे देख रहे हैं, सदैव मेरी रक्षा करते हैं, सदैव मेरा पालन करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे ही ईश्वर उसको दिखाई देता है। तो हमेशा कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी संकट भी आ जाए तो पॉजिटिव रहो। समझ गए ना? नहीं, ईश्वर हमारे साथ है और वह सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि ईश्वर कभी बुरा करना जानता ही नहीं है। समझ गए ना? एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, घुटने और पांव पे चलने वाला बच्चा तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता, बुरा नहीं कर सकता। समझ गए ना? तो भगवान भी ऐसे ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, बोलते हैं ना, बच्चा भगवान का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भगवान वैसा ही है जैसे एक बच्चा होता है। एक छोटा सा बच्चा अनजान आदमी के पास नहीं जाता, लेकिन वही आदमी जब उसके संपर्क में एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन आ जाता है तो वो धीरे धीरे उसके पास जाना आना शुरू कर देता है। और कुछ दिनों में तो फिर वो नाक में दम भी कर देता है उसके, बोलता है मुझे उठाओ, मुझे घुमाओ, मुझे झूला झूलाओ। समझते हैं? ऐसे ही प्रभु है, ईश्वर है। जब तक तुम उससे जान पहचान नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे साथ संपर्क में नहीं आने वाला।
क्यों आएगा? जब तुमने मुंह फेरा हुआ है तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? अपना मुंह उसके तरफ करो, मुंह को उसके तरफ करो और अपना दृढ़ विश्वास रूपी आंख खोलो। कौन सा नेत्र? दृढ़ विश्वास। कहते हैं ना कि संत जन गुरु जन नेत्र में ही पढ़ लेते हैं, तुम कितने में हो, तुम्हारी कितनी औकात है। वो नेत्र से ही पढ़ लेते हैं सारी बात, अर्थात नेत्र में भी बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। वह परमात्मा समझ लेता है कि तुम किस नेत्र से देख रहे हो। परमात्मा को तो छोड़ो, ये लड़कियां जो है ना, स्त्रियों में ये गुण होता है कि कौन सा आदमी उसको कैसे देख रहा है वो जान जाती है। करेक्ट बोल रहे? हाँ, ये माताओं में होता है। अगर उनको पीछे से भी कोई देख रहा हो ना, थोड़े देर में वो सिर घुमा के देखेंगी, कोई देख रहा है मुझे। सच बोला? हाँ, देखो सब माता लोग ट्रेंड है यहाँ पे। तो ये सत्य है, तुम जीव जंतु को भी देखते हो तो वो रिप्लाई करता है तुम्हें। मनुष्य तो छोड़ो, और आदमी में भी है ये, तुम कैसे देख रहे हो उसको वो भाप लेता है उसको। ऐसे ही परमात्मा को उसके सन्मुख हो जाओ, सामने हो जाओ उसके। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, कुछ समझना है तो सामने तो होना ही पड़ता है। अगर स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो वो सामने ही तो पढ़ाता है, अगर सामने नहीं पढ़ावे तो समझ में ना आवे। और जितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जाके एकदम सामने ही बैठते हैं, और जो बिना पढ़ने वाले होते सबसे पीछे कोने में जाके छुपते हैं कि टीचर की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए कुछ लोग बड़े मुंह दबा दबा के हंस रहे हैं, क्या बात है, सही बोला। तो सन्मुख हो, जब उसके सन्मुख हो जाओगे तुम तो तुम कुछ कहने लायक बनोगे। गोस्वामी जी ने इस पे भी बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुनना है? राम राम करेंगे तो। सन्मुख होई जीव मोहि जाबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जाबहि। ये भगवान श्री राम ने ही खुद बोला है। कब बोला? जब वो लंका जाने के लिए समुद्र के तट पे पहुंचे हुए हैं और विभीषण जी मिलने आए हैं, तो सुग्रीव जी बोले महाराज रावण का भाई आया है। भगवान ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात क्या है, ये निशाचर है, राक्षस है, मायावी है। अंगद जी भी बोले महाराज बोलिए तो हाथ पांव बराबर करके भेज दें इसको। बोले अरे नहीं नहीं। हनुमान जी बोले स्वामी आपका भक्त है वो, मैं लंका गया था तो सबसे पहले उसी से मिला, वो तो राम राम जपता है। वहीं पे जामवंत जी थे, बोले कि अरे राक्षस बड़े मायावी होते हैं, मुंह में राम राम और बगल में छुरी,
कहीं धोखा ना कर दे। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, 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 जन्म कोटि अगनासहि तब 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 ही, सन्मुख हो वो राम के, सन्मुख हो राम के, सन्मुख हो जा राम के, सन्मुख हो जा राम के, मिलाओ जी नयन से नयन, मिलाओ जी नयन से नयन, मिलाओ जी नयन से नयन, मिलाओ जी, इतने जन्म से बिछुड़े हुए हो, इतने जन्म से बिछड़े हुए हो, इतने जन्म से तू बिछड़े हुए हो, इतने जन्म से बिछड़े हुए हो, विरह की व्यथा बताओ जी, ओ विरह की व्यथा बताओ जी, अपनी नेत्र से नेत्र मिलाओ भगवान राम के नेत्र से, इतने जन्म से बिछड़े हुए हो, अपनी बिछड़ने की विरह और व्यथा भगवान से शेयर करो, उनसे बताओ, कृपा करेंगे करुणा निधान तुम पे, कृपा करेंगे करुणा निधान तुम पे, हाँ कृपा करेंगे करुणा निधान तुम पे, कृपा करेंगे करुणा निधान तुम पे, पतित पावन मेरे श्री राम तुम पे, पतित पावन राम श्री राम तुम पे, हाँ पतित पावन मेरे श्री राम तुम पे, पतित पावन राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 राम
बजे राम 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 श्री राम 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 हरे राम 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 जय जय राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बजो राम 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 बजो राम 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 जपो राम 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 जपो राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 जो राम 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 भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम नाम जप प्यारे राम नाम जप प्यारे राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम नाम जप प्यारे राम नाम जप प्यारे जन्म जन्म के दुख मिटेंगे 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 राम सन्मुख तुम्हारे राम सन्मुख तुम्हारे राम 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 जय जय राम 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 बजो राम बजो राम बजो रसिया 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 राम लखन सीता मन बसिया 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 राम 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 जय राम 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 हरे राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 भगवान श्री राम ने कहा सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही कि जब जीव मेरे सन्मुख मेरे सामने हो जाता है तो मेरा प्रण है कि मैं उसके अनेकों जन्म के पाप को नष्ट कर देता हूं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बोला जाओ जाके ले आओ, ले आए भगवान गले मिले, समझ रहे हैं? दास बना लिया। तो अपनी दृढ़ निश्चय को मत छोड़ो, पॉजिटिव थिंकिंग को मत छोड़ो। व्हेन यू आर पॉजिटिव एवरीथिंग गोइंग टू पॉजिटिव।
समझ रहे हो ना, जब तुम पॉजिटिव होते हो तो हर चीज पॉजिटिव होने लगता है। अपनी भाव में हमेशा रखो कि ठाकुर जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, राम जी हमें देख रहे हैं, गुरु महाराज जी हमारे को देख रहे हैं। और कभी कभी मेरे जैसे पागलों की तरह ना, देख करके हवा में भी देख करके प्रणाम कर लो, राधे राधे सरकार, दंडवत प्रणाम। दिखे या ना दिखे वो तो तुम्हें देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी मलिनता तुम्हारे ढका हुआ है, तुम्हारी मलिनता तुमको आच्छादित किया हुआ है। बुझते बाड़ी तो मलिनता, बुझते बाड़ी तो, परंतु वो मलिन नहीं है। तुम जब बार बार कभी कभी कहोगे तो वो तुम्हारी मलिनता मैली चादर हटा देगा, क्या कर देगा, हटा देगा। भजन सुना है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन सकुचाऊं। सकुचाना नहीं है, वो तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है, अधिकार के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, मौलिक अधिकार है तुम्हारा। ईश्वर से तुम कभी भी मिल सकते हो, हाँ कमी आ जाती है, मनुष्य हो तुम, कमी पूरी भी हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें उसे देखना पड़ेगा। किसी भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा ईश्वर दिखाई तो नहीं देता, फिर उसको कैसे समझेंगे हम। बाबा ने कहा बच्चा तुम ये बताओ कि जो चीज तुम्हें दिखता है उसी को तुम ग्रहण करते हो। तो बोला कि सोचना पड़ेगा। बाबा ने बोला जल्दी सोचो। बोले नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैंने देखा नहीं है, लेकिन इच्छा होता है उसको प्राप्त करने की, होता है ना, होता है ना। तो बाबा ने कहा फिर ईश्वर को, ईश्वर की इच्छा क्यों नहीं हुए, तुमने नहीं देखा। जब तुम वस्तु को नहीं जानते, नहीं देखे, और तुम्हारी इच्छा है कि वो चीज हम प्राप्त कर लें, एक साधारण सी बात है। मैंने अपनी घटना बता रहे हैं, ये बात है बहुत पुरानी, 8-10 साल 15 साल पुरानी हो गई होगी, 10 साल तो हो गया होगा। पहले नोकिया का फोन चलता था, नोकिया, आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे नोकिया को, नहीं नहीं नोकिया ही फेमस था। तो मेरे पास दुबई से या आबू धाबू से कहीं से एक बच्चा बढ़िया नोकिया का जो टॉप मॉडल था वो फोन लेके आया, कलर स्क्रीन खूब बढ़िया, मैं बड़ा खुश हुआ। किसी ने बताया सरकार एक फोन है एप्पल, वो भी बहुत अच्छा है। तो हमने कहा एप्पल, पहले तो सेब ध्यान में आया, एप्पल खाने वाला। तो हमने कहा भाई एप्पल कोई फोन होता है, एप्पल तो एप्पल ही है, सेब है। बोला नहीं सरकार वो फोन है। हमने बोला कैसा है, बोला बहुत अच्छा मॉडल है उसका। तो मैंने सोचा चलो कभी ना कभी तो आएगा हाथ में, समझ रहे हैं ना। मैं कभी फोन नहीं खरीदता हूं,
रिक्की है ना, इतना बड़ा फोन दिया था मुझे, सैमसंग का नया मॉडल 50 या 55 हजार का खरीदा, आज से 10-15 साल पहले, 10 साल हो गया होगा। नया मॉडल निकला था, ये अपने निमाई दादा से बोला, नहीं हमको सरकार को फोन देना है, इसने भी ऐसे ही बच्चे हमारे पास फोन देते रहते हैं। तो एप्पल देखा नहीं, इच्छा हो गई कि एप्पल चाहिए, बुझते बड़ी। तो ऐसे ही तुम ईश्वर को देखे नहीं हो, लेकिन अगर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो अनुभूति होने लगेगी। क्या होने लगेगी? अनुभूति। और जो जब वह अनुभव में आने लगेगा तो अनुभव से ही तुम सुख को प्राप्त करते हो, अनुभव से ही तुम दुख को प्राप्त करते हो, अनुभव से ही तुम सारा कार्य करते हो। अगर तुम्हें पढ़ने का अनुभव नहीं है 5वीं क्लास का, तो तुम नहीं पढ़ सकते। और जिसने 5वीं क्लास पढ़ लिया उसको अनुभव है, वो पढ़ लेगा। तो अनुभव बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन में। अपनी धारणा से, अपनी भावना से, अपने प्रेम से सोते हुए ऐसा अनुभव करो कि मैं श्री चरण में सो रहा हूं, गुरु महाराज जी मुझे देख रहे हैं। बोलो हे गुरुदेव शुभ रात्रि। मैं रोज बोलता हूं, गुरुदेव को बोलता हूं, राम जी को भी बोलता हूं, अब यहां रहता हूं तो गंगा मैया को भी बोल रहा हूं रोज, समझ गए ना। शुभ रात्रि बोलते हैं हम और ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें वो देख रहे हैं। सूरदास जी ने बोला, क्या बोला? सूरदास सुमिरन करता है, सूरदास सुमिरन करता है, सूरदास है सुमिरन करता, सूरदास है सुमिरन करता, दोनों आँख से अंध जी, दोनों आँख से अंध जी, सूरदास है सुमिरन करता, सूरदास है सुमिरन करता, दोनों आँख से अंध जी, दोनों आँख से अंध जी, सोच समझ के भावना मेरी, सोच समझ के भावना मेरी, देख सोच के श्रद्धा मेरी, देख सोच के श्रद्धा मेरी, रिझत मोह पे गोविंद रे, रिझत मोह पे गोविंद रे, जय गोविंदम जय गोविंदम, जय गोविंदम जय गोविंदम, जय गोविंदम जय गोविंदम, जय गोविंदम जय गोविंदम, जय जय गय गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय गोविंदम जय गोविंदम, जय गोविंदम जय गोविंदम, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, भज गोपालम
माँ के बिहारी, जय जय माँ के बिहारी, जय जय माँ के बिहारी, जय गोविंदम 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 जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, हे मन मोहन हे मधुसूदन 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 माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, माधव मदन माधव मदन मुरारी, जय जय गोविंदम 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 जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय 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 गिरिधारी, जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोविंदम जय गोविंदम। सूरदास जी ने कहा कि मैं दोनों आंख से अंधा हूं लेकिन मैं अनुभव करता हूं, किसका? गोविंद का। और मेरे अनुभव को वो समझ लेता है और मेरे ऊपर वो गोविंद रिझा हुआ है। क्या हुआ है? रिझना मतलब समझते हैं, रिझना अट्रैक्ट होना, वो गोविंद मेरे ऊपर अट्रैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं उसको अनुभव करता हूं। तो अनुभव, श्रद्धा, विश्वास, इसको कमजोर नहीं करो, हमेशा अनुभव में रखो। तुम्हारी दृष्टि मलिन हो सकती है लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा निर्मल है। तुम्हारी भावनाएं मलिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी प्रार्थना चाहे मलिन भाव से भी करोगे वो सुन लेता है और मान लेता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के दुर्गुण को नहीं देखता। अगर वो किसी के दुर्गुण को देखने लगे, किसी के दोष को देखने लगे तो परमात्मा है ही नहीं। कितनी माँ आती हैं हमारे पास, अपने संतान के लिए बोलती रहती है। कई माँ तो आंख से रोती हैं और बोलती हैं, मेरा संतान मुझे बहुत कष्ट देता है, मेरा संतान मुझे बहुत कष्ट देता है, लेकिन वो सुखी रहे उसके ऊपर कृपा करिए। समझते हैं? एक माँ जब तुम्हारे लिए इतना सोच सकती है तो वह परमात्मा जिस दया का निधान है, करुणा निधि कहा गया है जिसको, जिसको संतों ने दयालु कहा है, वह परमात्मा तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। ये तुम्हारी ही भूल है कि तुमने अपने को अलग कर लिया है, अपना मुंह मोड़ लिया है, अपना मुखड़ा फेर लिया है। ठीक है, गलती हुई, अब सही भी कर सको तो कर लो, गलती भी तुमने ही किया है, सही भी तुम ही करोगे। उस सही को करने के लिए
उसके तरफ देखो, प्रयत्न करो, उससे के नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिल जाए, उसके आंख से आंख मिल जाएगा। बस मेरी मिली, एक ही बार मिली, मैं भूल नहीं पाया हूं अभी तक और ना कभी भूल पाऊंगा। एक ही बार मिला और ऐसा मिला कि बस अपने में मिला लिया उसने। मिल जाओ, अपनी आंख मिला लो। ऐसे भी तुमने दुनिया से आंख मिला मिला के देख लिया कि तुम्हें क्या मिला, कितना मिला और कैसा मिला। तुम्हारा सुख, चैन और स्वास्थ्य, तीनों चीज तुम्हें छोड़ के चला गया। सुख, चैन और स्वास्थ्य तीनों छोड़ के चला गया जब से तुम दुनिया से नजर मिलाना शुरू किए। लेकिन परमात्मा बोलता है कि कभी भी किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, आओ मेरे तरफ। हे मेरे संतान, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, अपनी कदम मेरे तरफ बढ़ाओ। उससे आंख मिलाओ और जिस दिन तुम्हारा आंख उसके आंख में पड़ गया या उसकी आंख तुम्हारे आंख में पड़ गया, उसी दिन जन्म कोटि अघना सही तब ही, जन्म जन्म के तुम्हारे सारे दुख पाप क्लांत सब नष्ट हो जाए और तुम्हारे हर काम हर कर्म उत्तम कर्म बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। तुम्हारा हर चीज सराहनीय होने लगेगा। इस प्रकार से अपने मनोबल को, मनोभाव को, विचार को हमेशा ऐसे भाव में रहो कि वो मेरे पास है, वो मुझे देख रहा है। जब तुम बैठे हो, उठते हो, बूढ़े नहीं हो, फिर भी बोलते नहीं, उठो। जो भक्त होते हैं क्या बोलते हैं? राम। उठने में भी राम बोलते हैं, बैठने में भी राम बोलते हैं। समझ गए ना? तो आहा कौन बोलता है? जो कष्ट में होता है। तुम कष्ट को अपना लिए हो, अपने अंदर स्थान दे दिए हो, उसको स्थान मत दो, राम को दो, कृष्ण को दो, गोविंद को दो। हमेशा ध्यान रखो राम मुंह से निकले। दृष्टि कमजोर मत करो। सूरदास जी ने कहा कि मैं दोनों आंख से अंधा हूं परंतु अनुभव करता हूं। क्या करता हूं? अनुभव। और उसी अनुभव के कारण गोविंद मुझ पे अट्रैक्ट है, मैं उस पे अट्रैक्ट नहीं हूं। बुझते बड़ी तो सूरदास बोलते हैं वो मुझ पे अट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो तो अंधा है। समझ गए ना? सूरदास जी ने और भी भजन किया है बहुत सारा,
एक लाइन याद आ गया, गा दे, गाएगा। दीन हीन मोहे जानी के, 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 रिझो गोकुल नाथ हमारे, रिझो गोकुल नाथ हमारे, रिझो गोकुल नाथ हमारे, रिझो गोकुल नाथ हमारे, दीन ही श्याम जी, हे गोविंद गिरिधर श्याम जी, हे गोविंद गिरिधर श्याम जी, जीवन कर दिया तेरे नाम 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 जी, आ जाओ मेरे श्याम सलोने, आ जाओ मेरे श्याम सलोने, आ जाओ सलोने, आ जाओ मेरे श्याम सलोने, दर्शन दो बैठा थानी के, दर्शन दो बैठा थानी के, दीन हीन मोहे जानी के, नहीं न मोहि जान के, जय हो गोकुलेश, मोहि जान के। सूरदास के जीवन अंधियारा, सूरदास के, सूरदास के जीवन अंधियारा, सूरदास के जीवन अंधियारा, तुमको पुकारा, बन जा सहारा, बन जा सहारा, बन जा सहारा, बन जा सहारा, आया तेरा द्वार
रात से हारा आया तेरा पारा जगत से हारा दे दो सहारा दे दो सहारा दे दो सहारा दे दो सहारा बैठ गया हूँ मैं मुट्ठी अपनी बांध के बैठ गया हूँ मैं अपनी मुट्ठी बांध के दिन ही न जान के दिन ही न जान हे भगवान तभी सहारा देते हैं जब तुम असहाय बनोगे। वास्तव में तुम असहाय नहीं हो लेकिन तुम समर्थवान भी नहीं हो, ये ध्यान रख लेना। तुम में समर्थ है तो सिर्फ अपने तक ही है और समर्थवान परमात्मा ही है। तो ऐसी अवस्था में तुम दुनिया में बड़े ही महान बनो, वीर बनो, बड़े व्यापारी बनो, ठग लो लोगों को, लेकिन परमात्मा के सामने बिल्कुल नहीं। उसके सामने तो ठग जाओ तो अच्छा है, वहां पे तुम्हें शरणागति में चली जानी चाहिए। ऐसे सूरदास जी बोल रहे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर, समझ गए। हे दीन बंधो करुणा सिंधो दीन बंधो करुणा सिंधो बंधो करुणा सिंधो दीन जनों के नाथ हो तुम दीन जनों के नाथ हो तुम दीन जनों के नाथ हो तुम दीन जनों के नाथ हो। ध्यान से सुनिए, मोसो दीन हीन नहीं कोई मोसो दीन हीन नहीं कोई मुझसे दीन हीन नहीं कोई मुझसे दीन हीन नहीं कोई इसीलिए मेरे साथ हो तुम इसीलिए मेरे साथ हो। अनुभव करो कि वो तुम्हारे साथ है। सूरदास जी में कोई ऐसी कला नहीं थी, वो अनुभव करते थे। अंधे थे, लाठी लेकर डंडा लेके चलते थे, गड्ढा आती थी गोविंद गोविंद, अरे गोविंद ने मुझे बचा लिया, गोविंद तुम बड़े ही दयालु हो मुझे गिरने से बचा लिया, अरे गोविंद तुमने मुझे ठोकर लगने से बचा लिया, चलते चलते दीवार में टकरा गए, अरे गोविंद मुझे चोट नहीं लगी, तुम यहां खड़े थे मेरे लिए, समझते हैं ना। कभी गिर भी गए, अरे गोविंद तूने मेरे लिए कितनी कोमल भूमि बना दिया, तुम कितने दयालु हो, कितनी कृपा है तुम्हारी। भक्त हमेशा गोविंद की कृपा का ही अनुभव करता है। दुख तो तुम्हारे जीवन का साथी है, उस दुख में भी गोविंद को ही देखो। सूरदास जी कितने ठोकर खाए, कितने दुख उठाए,
कांटे चुभ जाते। मैं समझ गया गोविंद तुमने कांटा क्यों चुभाया है हमारे पाँव में। मैं रात से नाम जाप नहीं किया है ना, मैं समझ गया अब मैं जाप करूंगा। अर्थात कष्ट भी देता है वो, इसलिए कि मुझे याद कर, इसलिए मुझे भज। सूरदास जी की हर चीज में गोविंद है, वही गोविंद एक दिन ऐसा आता है सूरदास जी का हाथ पकड़ करके लेके जाने लगता है। इतना दयालु है वो, इतना करुणा है उसके अंदर, इतना प्रेम है उसके अंदर। तुम्हें भी वो हाथ देगा, तुम्हारा हाथ भी पकड़ा हुआ है, उसने हाथ तो पकड़ा हुआ है तुम्हारा, लेकिन तुम छुड़ाए जा रहे हो। ये कमी तुम्हारी है, अब छुड़ाना छोड़ दो, बोल दो चल। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, हे दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। दे दिया अपना हाथ रहना मेरे साथ, दे दिया अपना हाथ रहना मेरे साथ, दे दिया अपना हाथ रहना मेरे साथ, दे दिया अपना हाथ रहना मेरे साथ। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। तुम तो बड़े दयालु हो, दयालु हो तुम तो बड़े दयालु हो, तुम तो बड़े दयालु हो, तुम तो बड़े दयालु हो, तुम तो बड़े दयालु हो। कितने अधम को तारे हो, कितने अधम को तारे हो, कितने अधम को तारे हो, कितने अधम को तारे हो। मैं तेरा हूँ ना, तुम तो बस हमारे हो, मैं तेरा हूँ ना, तुम तो बस हमारे हो, मैं तेरा हूँ ना, तुम तो केवल हमारे हो, मैं तेरा हूँ ना, तुम तो केवल हमारे हो। दिन बंधु दीनानाथ, बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, ओ दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ।
जगत दिन बहुत बड़े गोविंद 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 गोपाल 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 गोविंद 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 गोपाल 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 गिरधारी 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 मेरे गिरधारी 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 मेरे गिरधारी हाँ गिरधारी 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 मेरे गिरधारी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो बंधु दीनाना दिन बंधु दीनानाथ दिन बंधु दीनानाथ दिन बंधु दीनानाथ ओ दिन बंधु दीनानाथ दिन बंधु दीनानाथ निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हे निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 हे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हे निताई गौर हरि बोल हरि दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ रहना मेरे साथ तू रहना मेरे साथ रहना मेरे साथ तू रहना मेरे साथ पकड़ लो मेरा हाथ पकड़ लो मेरा हाथ पकड़ लो मेरा हाथ पकड़ लो मेरा हाथ मुझे छोड़ना ना अनाथ मुझे छोड़ना ना अनाथ मुझे छोड़ना ना अनाथ मुझे छोड़ना दिन बंधु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दीन बंधु दीननाथ, 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 दीन बंधु दीननाथ। रहना मेरे साथ तू, रहना मेरे साथ तू, रहना मेरे साथ तू, रहना मेरे साथ तू, पकड़ ले मेरा हाथ, तू पकड़ ले मेरा हाथ, ओ तू पकड़ ले मेरा हाथ, तू पकड़ ले मेरा हाथ। मुझे छोड़ना नहीं अनाथ, मुझे छोड़ना नहीं अनाथ, मुझे छोड़ना नहीं अनाथ, मुझे छोड़ना नहीं अनाथ। ऐ दीन बंधु दीननाथ, 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 ऐ दीन बंधु बंधु भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शरणागति भाव मनुष्य को अहंकार रहित कर देता है। एक ही भाव है जिसमें अहंकार खत्म होता है, वो है शरणागति। जब तुम शरणागति में चले जाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? अस्तित्व। शरणागति अर्थात दास, स्लेव, जिसको अंग्रेजी में स्लेव बोलते हैं, दास। पुराने जमाने में लोग मानुष को खरीद के लाते थे, जानते हैं? हाँ, दास को। जैसे अभी कुत्ता बिल्ली खरीद के लाते हैं ना, ऐसे आदमी को खरीद के लाते थे, वो दास होता था। वो सिर्फ अपने स्वामी को सुनता था, जानता था। ऐसे जो शरणागति में चला जाता है, शरणागति को स्वीकार कर लेता है, वो दास हो जाता है। और जैसे ही वो दास होता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि दास अर्थात सेवक का कोई अपना अस्तित्व नहीं रह जाता। उसके पास जो भी है वो उसके स्वामी का बन जाता है। समझते हैं? और वो सिर्फ सेवक मात्र रह जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु दया करिए मुझ पे, मैं दीन हूं, हीन हूं,
मेरी तो आंख भी नहीं है। हे स्वामी, आप तो बड़े ही दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। जब ऐसी भाव, एक संत ने कहा है, मन बुद्धि चित अहंकार दिया तुझे, आंखें नेत्र दिया तुझे चोखा। चोखा बुझते बाड़ी तो सार्प, आंख दिया तुम्हें सार्प, सार्प को चोखा बोलते हैं। एक तो चोखा होता है जो खाते हैं, आलू का चोखा, चोखा मतलब सार्प, बहुत चटपटा हो उसको चोखा बोलते हैं। ये आंख भी चटपटा है, ये आंख भी चटपटा है, सुंदर पे ही जाके टिकता है, समझते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वस्तु हो, विषय हो, जो सुंदर है उसी को देखना पसंद करता है। मन बुद्धि चित अहंकार दिया, नेत्र दिया तो ये चोखा। रे मानुष तुम विवेकहीन, खाता रहता धोखा। फिर भी तुम धोखे में रहते हो, इतना सुंदर नेत्र दिया है, इतना सुंदर मन है, बुद्धि है, सब चीज। इस धोखे से निकलने का नाम ही भक्ति है। सूरदास जी ने कहा, मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है। एक गुण था कि मैं तुम्हें देख सकता था, वो भी मैंने खत्म कर दिया। हे परमात्मा, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, अब जो भी है तुम्हारे पास है। और मैंने सुना है, मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूं। देखिए सूरदास जी की चतुराई, बोलते हैं मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूं, लेकिन हमने सुना है तू बड़ा ही दयालु है और बिना मांगे देता है तू, लेकिन मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूं। हां, मैं एक दीन हूं, हीन हूं, मेरे में कोई ऐसी गुण नहीं है, समझ गए ना। भक्त लोग यही गाते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अवगुण बुझते वाली तो भक्त बोलता है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। जो तुम देखो अवगुण हमारो, जो तुम देखो अवगुण हमारे, जो तुम देखो अवगुण हमारो, जो तुम देखो अवगुण हमारे। मैं तो अवगुण अवगुण भरो, मैं तो अवगुण अवगुण भरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो। मेरो अवगुण चित न धरो, मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो। कितना सुंदर शब्द है, जो तुम देखो
अवगुण हमारो जो तुम देखो अवगुण हमारे जो तुम देखो अवगुण हमारो जो तुम देखो अवगुण हमारो अवगुण अवगुण भरो अवगुण अवगुण भरो प्रभु मेरे अवगुण चित धरो प्रभु मोरे अवगुण चित धरो। सेवक कहता है कि हे स्वामी, अगर मेरे अवगुण को आप देखने लगते हैं, अगर आप देखेंगे मेरे अवगुण को तो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं इसके अलावा। अवगुण अवगुण भरो, मुझ में तो सिर्फ अवगुण ही भरा पड़ा है, इसलिए आप मेरे अवगुण को मत देखिए। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि तो बहुत निर्मल है स्वामी, आपकी दृष्टि तो बहुत कोमल है, और आप जहां देखते हैं वहीं पे सब निर्मल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? भरत जी भगवान को मनाने जाते हैं, वो भी बोलते हैं मेरे अंदर अवगुण ही भरा पड़ा है। सभी संतों ने कहा, प्रभु मैं तो अवगुण से भरा पड़ा हूं। तुम हो स्वामी करुणा भरा भरा, 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 करुणा दृष्टि करो करो, करुणा दृष्टि करो करो, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, न धरो न धरो, अवगुण चित न धरो धरो, गणिका अजामिल को तूने तारे, गणिका अजामिल को तूने तारे, अब की बारी बारी हमारे, अब की बारी बारी हमारी, अब की बारी बारी हमारे, अब की बारी बारी हमारी, अब तो हे स्वामी अब तो जल्दी करो, ओ, ओ, ओ अब तो जल्दी करो, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, न धरो न धरो न धरो न धरो, अवगुण चित न धरो,
ना धरो ना धरो अवगुण चेतन कृष्ण भगवान की जय हो। तो भक्त जो होते हैं ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी अगर मेरे अवगुण को देखोगे तो मेरे अंदर वो कुछ है ही नहीं, अवगुण अवगुण भरो, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है, इसलिए बस तुम तो सिर्फ कृपा करो, ऐसा भाव रख करके जब उसको देखेंगे तो निश्चय ही आपके समस्त कष्ट क्लेश, बाबा ने बोला ना बच्चा मैं ऐसे चुटकी बजा के अंग्रेजी सिखा दूंगा तुम्हें, क्यों बोला? क्योंकि उनको पता था कि ये हमारा प्यारा कुत्ता है, ये और किसी के सहारे नहीं है, समझते हैं ना, ये किसी मास्टर वास्टर के शिक्षक के सहारे नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे सहारे है, इसीलिए बोले ऐसे चुटकी बजा के तुम्हें अंग्रेजी सिखा दूंगा। ऐसे ही परमात्मा के सहारे रहना सीखो, कुछ तो सहारा बना बनाया मिलता है, कुछ सहारा बनाना पड़ता है, बना बनाया मतलब जिसे गुरु महाराज जी मिल जाते हैं, वो हाथ पकड़ के जबरदस्ती धक्का देके भी बिठा देते हैं अपने नाव में, और कुछ लोग अहंकार में पड़ जाते हैं तो उनको बनाना पड़ता है, और तुम लोग सब बहुत ही भाग्यशाली भाग्यवान हो कि बना बनाया तुम्हें मिला है, श्री गुरुदेव ने बड़ी कृपा किया है तुम लोगों के ऊपर, और ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे, उसी कृपा को अनुभव करने के लिए अनुभव करो कि वो तुम्हारे साथ है। जब भी तुम छोटी छोटी बातों में उठो बैठो खाओ पियो स्मरण करो, समझे, स्मरण में रखोगे तो तुम भी उसके स्मरण में चले जाओगे, किसके स्मरण में? गुरु महाराज जी के, राम जी के स्मरण में चले जाओगे, क्योंकि यही स्मरण तुम्हें स्मृति में ले जाता है, जिसका तुम स्मरण करते। बाबा ने बोला कि बच्चा तदर पिता खिला चारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अपना संपूर्ण अपने इष्ट को गुरु को गोविंद को समर्पित कर दो, और वह तुमसे थोड़े देर के लिए भी अलग अनुभव हो तो उसके लिए परम व्याकुल होना ही भक्ति का सिद्धांत है, इसी को परम भक्ति कहते हैं। तो तुम परम भक्ति में प्रवेश कर जाओ, ये बहुत ही ऊंची अच्छी चीज है, अगर उसमें नहीं जाते हो, परम भक्ति में नहीं जाते हो, सिर्फ भक्ति में ही चले जाओ या सिर्फ परम में ही चले जाओ, परम अर्थात परमात्मा, समझ गए ना, स्मरण में रखो उसको, और जो स्मरण में रहता है वो तुम्हें आंख बंद करते ही अनुभव में आ जाता है, किस में आ जाता है? अनुभव में, ये यथार्थ सत्य है कि जिसको तुम याद करते हो
आंख बंद करोगे वो तुम्हारे अनुभव में तुरंत आ जाता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता उसको आने में। तो कम से कम इतना तो व्यवहार उसके साथ बना लो कि आंख बंद करो और वो तुम्हारे अनुभव में आ जाए। समझ गए? इतना तो व्यवहार बना लो उसके साथ। व्यवहार बुझते वाली तो संबंध बुझते वाली तो इतना तो संबंध बना लो उसके साथ कि आंख बंद करो और वो तुम्हारे अनुभव में आ जाए। और यही अभ्यास रखो क्योंकि एक दिन सबको आंख बंद करना है। समझ गए ना? सबको आंख बंद करना है। जब तुम्हारा आंख हमेशा के लिए बंद हो उसी समय वो अनुभव में आ जाए। तो जय जय श्री हरि। कितना सुंदर एक भजन है, याद नहीं है मुझे। जब मेरे तन से प्राण इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले सामने बंसी बट हो मेरा सांवरा निकट हो। तो इतना तो बना लो, स्वामी नहीं करेंगे, तुम्हें तो करना पड़ेगा कुछ। ऐसा तो कर लो कि तुम्हारी आंख बंद हो तो वो अनुभव में आ जाए। और जब अनुभव में आ जाएगा तो फिर तुम्हारा यात्रा जो अनंत काल से चलते आ रहे हो ये यात्रा समाप्त हो जाएगा। ऐसी यात्रा ना जाने कितने शरीर तुमने लिए और छोड़े, कितने शरीर को धारण किए और कितने शरीर को तुमने कहां कहां छोड़ा, तुम्हें ये भी नहीं पता। कितने जन्म हुए तुम्हारे, कितने मृत्यु हुए तुम्हारे, तुम्हें ये भी नहीं पता। और ये यात्रा चाहे तुम्हारे को कितना भी कुछ संपत्ति मिल जाए, माया मिल जाए, है तो कष्टमय। कष्टमय ही है। धनवान भी बीमार है, गुणवान भी बीमार है, और सबसे बढ़िया बात कि डॉक्टर भी बीमार है। बुझते वाली तो सबका इलाज करने वाला भी बीमार है। तो सब दुखी है। ऐसे में अपनी जो एक आश्रय है, एक सहारा है जो तुम्हें हर समय देता है, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में, उससे अपना लिंक बना के रखो। इतना अभ्यास तो कर लो कि जब तुम आंख बंद करो और उसको स्मरण करो तो वो तुम्हारे सामने आ जाए। समझते हैं? अगर वो तुम्हारे सामने आ गया और आना शुरू कर दिया कितना आनंद आएगा ना, कितना एंजॉय होगा। और उस एंजॉय में कई बार भजन भी निकलता है। तुम बोल सकते हो कि तुम मेरे हो और मैं, भजन है इतना करना स्वामी। अच्छा, मैंने भजन किया है, इसका मतलब क्या है? फिर से करना है? अच्छा,
पक्का करना है, ताली बजाएगा। अरे ये तो नेता वाला ताली हो गया है, भजन वाला ताली करने का। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। सांवरिया रे सांवरिया रे सांवरिया रे सांवरिया रे सांवरिया रे सांवरिया रे ओ सांवरिया रे सांवरिया रे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। सांवरिया रे गिरधारी रे ओ सांवरिया रे गिरधारी रे ओ गिरधारी रे बनवारी रे ओ गिरधारी रे बनवारी रे ओ बनवारी रे मुरारी रे ओ बनवारी रे मुरारी रे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा सुन ले सांवरे ओ मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। मैं तेरा हूँ गिरधारी तू मेरा है गिरधारी ओ तू मेरा है बनवारी, मैं तेरा हूँ बनवारी तू मेरा है गिरधारी मैं तेरा हूँ गिरधारी ओ मैं तेरा हूँ मनमोहन तू मेरा है मनमोहन मनमोहन मैं तेरा हूँ मनमोहन ओ तू मेरा बंसीवाला मैं तेरा बंसीवाला तू मेरा बंसीवाला मैं तेरा बंसीवाला। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। सांवरिया रे सांवरिया रे ओ सांवरिया रे सांवरिया रे श्याम सुंदर रे श्याम सुंदर रे श्याम सुंदर रे श्याम सुंदर रे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तेरा तेरा
सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा है गोपाला, मैं तेरा हूँ गोपाला। तू मेरा है गोपाला, मैं तेरा हूँ गोपाला। तू मेरा है गिरधारी, मैं तेरा हूँ गिरधारी। तू मेरा है गिरधारी, मैं तेरा हूँ गिरधारी। तू मेरा है नंदलाला, मैं तेरा हूँ नंदलाला। तू मेरा है नंदलाला, मैं तेरा हूँ नंदलाला। तू मेरा मुरली वाला, मैं तेरा मुरली वाला। तू मेरा मुरली वाला, मैं तेरा मुरली वाला। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, तेरा सुन ले सांवरे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे। सांवरिया रे सांवरिया रे, हाँ सांवरिया रे सांवरिया रे, ओ सांवरिया रे सांवरिया रे, ओ सांवरिया रे सांवरिया रे। तू मेरा मधुसूदन, मैं तेरा मधुसूदन। तू मेरा मधुसूदन, मैं तेरा मधुसूदन। तू मेरा है माधव, मैं तेरा हूँ माधव। तू मेरा है माधव, मैं तेरा हूँ माधव। तू मेरा है मुकुंदा, मैं तेरा हूँ मुकुंदा। तू मेरा है मुकुंदा, मैं तेरा हूँ मुकुंदा। तू मेरा है आनंदा, मैं तेरा हूँ आनंदा। तू मेरा है आनंदा, मैं तेरा हूँ आनंदा। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, ओ तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे। ओ मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। गिरधारी रे बनवारी रे, ओ गिरधारी रे बनवारी रे, ओ बिहारी रे गिरधारी रे, ओ बिहारी रे गिरधारी रे। ओ मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, तेरा तेरा सुन ले सांवरे। ओ तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा है गोविंदा, मैं तेरा हूँ गोविंदा। तू मेरा है गोविंदा, मैं तेरा
हूँ गोविंदा, तू मेरा है मुकुंदा, मैं तेरा हूँ मुकुंदा, तू मेरा है मुकुंदा, मैं तेरा हूँ मुकुंदा, तू मेरा है नंदलाला, मैं तेरा हूँ नंदलाला, तू मेरा है नंदलाला, मैं तेरा हूँ नंदलाला, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा 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 सुन सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, ओ तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, ओ मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, सांवरिया रे गिरधारी रे, सांवरिया रे गिरधारी रे, मनमोहन रे बनवारी रे, मनमोहन रे बनवारी रे, मुकुंदा रे गोविंदा रे, मुकुंदा रे गोविंदा रे, आनंदा रे परमानंदा रे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, ओ तू मेरा मनमोहन रे मनमोहन रे मनमोहन रे मनमोहन रे, गिरधारी रे गिरधारी रे गिरधारी रे गिरधारी रे, बनवारी रे बनवारी रे बनवारी रे बनवारी रे, गोविंद रे गोविंद रे गोविंद रे गोपाल रे, मुकुंद रे मुकुंद रे दामोदर रे दामोदर रे दामोदर रे दामोदर रे, हे मधुसूदन रे मधुसूदन रे मधुसूदन रे मधुसूदन रे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे, तू मेरा 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 सुन ले सांवरे, बनवारी रे गिरधारी
दारू मनमोहन रे मुकुंदा रे मनमोहन रे मुकुंदा रे गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा रे मैं तेरा 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 सुन ले सावरे सीना भी आ गया। जय हो। इसी को बोलते हैं संकीर्तन। राधे राधे। तो भगवान की भक्ति ऐसी प्रेम होनी चाहिए, इतना तो संबंध होना चाहिए कि जब आंख बंद करो तो तुम्हें वो दिखाई दे। ठीक है, आज का सत्संग ही विराम देंगे, कल का सत्संग चलेगा। मृत्यु के बाद देह नहीं रहता है, तब आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा किस अवस्था में रहता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भगवान प्राप्ति के लिए लोभ क्या अन्याय है या न्याय है, लोभ ठीक है या नहीं है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माताजी बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाया है। जय हो। कल के सत्संग में करेंगे, अभी आरती करेंगे बाबा का। और अरे अरे, अभी शुरू नहीं हुआ भाई, कौन सा भजन सुनना है भाई? अब समय क्या हुआ है, अभी कल करेंगे। बहुत से बच्चा बच्चा है तो अभी खाना भी तो है ना। क्या बना है भोजन में आज? मीठा चावल और क्या बना है? मटर पनीर, आलू दम और खीर। मटर पनीर, आलू दम, रसगुल्ला और खीर, सब कोई पेट भर के खाना और बनना फकीर। खूब गुरु कृपा है, विशेष कृपा हो रही है, खूब कृपा। ओम जया गुरुदेव जी हरि, प्रभु जया गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, तेरे चरणों के सेवा करी। ओम जय गुरुदेव जी हरि।
नाना रूप तुम्हारे गुरु जी, नाना अवतारा गुरु जी, नाना अवतारा दिव्य चैनमय तुम हो, दिव्य चैनमय तुम हो, दिव्य ज्योति भरी ओम जय गुरुदेव जी हरि। तेरी महिमा वेद न जाने मैं हूँ अज्ञाना, गुरु जी मैं हूँ अज्ञाना, श्रुति संत तब कहते तेरी लीला गान करी ओम जय गुरुदेव जी हरि। सब देवों के आराध्य देव तुम, सबसे संसारा प्रभु जी तुमसे संसारा, करिए कृपा हम सब पर, करिए कृपा हम सब पर, दया के दृष्टि भरी ओम जय गुरुदेव जी हरि। आदि अनंत सब तुम हो, तुम हो करतारा गुरु जी, तुम हो करतारा, हम मूर्ख अज्ञानी, हम सेवक तुम स्वामी, चले तेरे कृपा के नैया चली ओम जय गुरुदेव जे हरि। सेवक देवदास संतन संग आरती गावे तेरी गुरु जी, आरती गावे तेरी, दया करो है दया दीदी, दया करो है दया दीदी, कृपा के दृष्टि भरी ओम जय गुरुदेव जी हरि। ओम जय गुरुदेव जी हरि, स्वामी जय गुरुदेव जी हरि, स्वामी जय गुरुदेव जी हरि, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, तेरे चरणों की सेवा करी ओम जय गुरुदेव जी हरि, ओम जय गुरुदेव जी हरि, ओम जय गुरुदेव जी हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगे प्रहार, सदा वशंकम गुर्जार रूपे भवं भवानी चैतं नमा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सजगा त्वमे, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते, त्वमेव सर्वं मम देवते।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 ओम देवराय दिगंबराय मद्गाथिनाय नमो नमः ओम देवराय दिगंबराय मद्गाथिनाय नमो नमः ओम देवराय दिगंबराय मद्गाथिनाय त्रिलोरा बाबा सरकार की त्रिलोरा बाबा सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की बड़े सरकार की छोटे सरकार की जय जय श्री राधे।